अब की 18 मार्च 2022 को जुमे का दिन है, जाहिर सी बात उस दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन शबरात भी है और होली भी उसी दिन खेली जाएगी। तो लिहाजा मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पूरा पास और लिहाज रखें और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और कम्युनल हारमोनी के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाना हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कि आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जाती है कि जो जुमे के दिन जिन मसाजिद में और खासकर वो मसाजिद जो उनकी सड़कों पर हैं और वहां पे नमाज का वक्त 12:30 से 1 के दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि वहां पे आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लें और ज्यादा इस बात की कोशिश की जाए कि मुसलमान जुमे की नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में ही अदा करें और जो लोग अपने बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों के इसारे सवाब के लिए शबरात के मद्देनजर शाम को कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं उनसे गुजारिश है कि असर की नमाज के बाद यानी 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर हाल में हमें और हमारी और आप और सभी तमाम आवाम की ये जिम्मेदारी है कि हर हाल में अमन व अमान कायम रखें।